जय श्री राम। स्वागत है सभी भाइयों बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बंधु, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, तो कृपया वो भी कर लीजिए। बंधु, आज मैं पार्थिव पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रचार प्रसार कलयुग में जो है कुष्मांड ऋषि के पुत्र जो है मंडप ऋषि ने किया था, और इसका महत्व ये बताया गया है। अप मृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्यः कलत्र पुत्रादि धन्य धान्य प्रदम द्विजाः। मतलब अप मृत्यु, कितना भी बड़ा रोग हो, उसको दूर करने वाला, उसको हटाने वाला, उसको उसका विनाश करने वाला, उस कष्ट का, और जो है धन धान जो भी हमारी कामना है, पुत्र पौत्र आदि कलत्र सब कुछ प्राप्ति हमें सद्या मतलब तत्काल देने वाले शिव जी, इस रूप में अगर हम पूजा करते हैं। पर बंधु, अगर आपने श्रावण सोमवार कर रहे हैं, अथवा रुद्राभिषेक का नियम कर रहे हैं, अथवा और कोई नियम कर रहे हैं शिव माला जाप करने का, तो ये आवश्यक नहीं कि आप ये भी करें, पर हाँ ये एक विधा है जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो जब भगवान राम जी जो है लंका में विजय करने के लिए जा रहे थे, तो लिंग था पि विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। शिव जी का वहां मिट्टी का लिंग बनाए, बालू का लिंग बनाए, और उनकी पूजा करके फिर वहां से आगे प्रस्थान किया और विजयी हुए। तो बंधु, वहां से लेकर के यहां तक आया है, और कलयुग में जैसा मैंने बताया, वहां कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने पहले पूजा किया मंडप जी ने, और वहां से लेकर हम लोगों तक प्राप्त हुआ। शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, पहली बात ये मिट्टी का होना चाहिए, साफ सुथरी अच्छी मिट्टी का होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें आप पंचगव्य मिला ले तो अच्छी बात, नहीं तो अच्छी मिट्टी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का घोर है तो वो थोड़ा सा मिलाए, बाकी जल मिला करके उसको थोड़ा टाइट जो है उसको गूंथ ले, सान ले। उसके बाद में शिव जी का जो लिंग का आकार है अंगूठे का उत्तम माना जाता है, और मैक्सिमम जो है इतना मतलब 12 अंगुल का होना चाहिए, इससे बड़ा जो है नहीं होना चाहिए। तो बनाते ही जो है उसमें चावल जो कि जैसे बनता है ना, शिवलिंग तैयार होता है, कई सारे गण आ जाते हैं, कई बार देवता भी आ जाते हैं, वो पूजा करके चले जाते हैं। तो इसीलिए जब जैसे हम लिंग का निर्माण किया, और लिंग के ऊपर जो है एक तो बड़ा बृहद लिंग होता है, और उसके कम से कम जैसे 11 लिंग तो अवश्य शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो एक मुख्य बड़ा लिंग हो गया, उसके बाद में उसके आसपास चौतरफ कम से कम 11, नहीं विशेष कामना हो तो 108 या 111 या 1011 नित्य आप ऐसा कर सकते हैं, और अपने विशेष जो है कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो भी प्राय ये कि अच्छी मिट्टी और ये वो साफ जगह की मिट्टी लेकर के और उसका हमें निर्माण करना चाहिए, नहीं तो आजकल मुल्तानी मिट्टी जो बाजार में मिलती है मेडिकल वगैरह में, उससे भी हम निर्माण कर सकते हैं। पर अगर स्वच्छ जगह की अच्छी मिट्टी मिल जाए, कई लोगों का यह भी मानना है कि उसमें घी भी मिला लिया जाए, शहद मिला लिया जाए, भस्म मिला लिया जाए, पंचामृत मिला लिया जाए, तो इस सब की इतनी आवश्यकता नहीं, केवल गंगा जल थोड़ा मिश्रित जल से उनको गूंथ दिया जाए, गूंथ करके थोड़ा सा चावल धोकर के बगल में रखिएगा, जैसे आपने निर्माण किया केवल ऐसा बत्ती लंबा सा कर देना है, और उसके बाद में चावल लेकर के जो है शिवार्पण मस्तु या ओम नमः शिवाय बोल करके उनपे दो दाना चावल ऊपर चढ़ा करके रख लिया। जब पूरे सारे शिव जी का शिवलिंगों का निर्माण कम से कम 11 एक बीच में हो गए, और जो है 10 चारों तरफ हो गए, नहीं 21 या 51 जितना आपका सामर्थ्य हो, हाँ जितना निर्माण कीजिए, प्रयास वही कीजिए कि आप प्रथम दिन से लेकर के और सावन पर्यंत जो है पूर्णिमा तक आपको उसी रूप में, उसे कम नहीं करना चाहिए, वृद्धि क्रम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नित्य बनाएंगे। अब जब निर्माण हो गया तो एक पीतल अथवा कोई भी तांबा अथवा पीतल ज्यादा उत्तम है, पीतल के बर्तन में नीचे बेलपत्र पहले रख करके ऊपर में एक एक लिंग को आपने वहां बैठा दिया, विराजमान कर दिया, उसके बाद में शाम सदा शिवाय नमः, शाम सदा शिवाय नमः, पार्थिवेश्वराय नमः, आवाहयामि ध्यानार्थे, आवाहयामि आवाहनार्थे, अक्षतान समर्पयामि आवाहनार्थे, अक्षतान समर्पयामि, ऐसा बोल के अक्षत चढ़ा दिया। उसके बाद उनको स्पर्श कर लिया कि प्राणाः अस्मिन् विविध शिव पार्थिवेश्वर मध्ये प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। इसके बाद में आपने जल छिड़क दिया, फिर गंगा जल छिड़क दिया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर जल से स्नान करा दिया। अगर आचार्य पुरोहित हैं तो आप जो है वहां पर उनका अभिषेक कर दिया, तो छोटा सा अभिषेक, अगर बड़े लिंग हैं, ज्यादा लिंग है तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का जो मंत्र है वो भी आप सुनते सुनते अगर अपने घर में स्वयं कर रहे हैं, अच्छी बात है, आचार्य पुरोहित को बुलाकर कीजिए। अगर स्वयं कर रहे हैं और आपके पास समय है, रोज नहीं कर सकते, रोज सामान्य पूजा करते हैं, सोमवार के दिन
प्रातः काल अथवा संध्या वेला में जो समय रखिए, एक समय रखिए वहां पे, यहाँ पर हमने एक रुद्राभिषेक स्वयं कैसे करें वीडियो का लिंक आप ये टच करके जान सकते हैं। इसका शुरुआती जो पूजा का भाग हटा करके जहां से न्यास प्रारंभ है, अंगों का स्पर्श करते हैं, वहां से लेकर पूरा सुनते रहिए और जो है अभिषेक भगवान का करते रहिए। नहीं सामान्यतः 11 बार 21 बार ओम नमः शिवाय बोल करके दूर जो है पूरा अर्पण कर दीजिए, या कोई शिव जी का स्तोत्र छोटा सा आता है नमामि शमशान, अथवा कोई भी ऐसा जो है शिव जी के मंत्र को बोल करके दूध अर्पण करके, फिर उसके बाद जल अर्पण करके, फिर रक्षा सूत्र अर्पण करके, जनेऊ अर्पण करके, सफेद चंदन अर्पण करके, अच्छा पहन आप जब बैठेंगे, हमारी जो बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है अथवा भाई बंधु, सफेद वस्त्र शिव जी को प्रिय पहनकर बैठे, या गुलाबी वैसा भी कर सकते हैं, पर जो सौभाग्यवती माताएं बहने उनको पूरा सफेद नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें विशेष होना चाहिए। वो जो भी पहनेगी काला को छोड़ करके शिव जी को सब प्रिय होगा। सभी लोग ये पूजा कर रहे हैं, सभी जाति के लोग कर सकते हैं, सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं, ये सबके लिए कल्याणकारी पार्थिव पूजा है। तो आपने रक्षा सूत्र है, भगवान ने दिया है तो बढ़िया से एक वस्त्र गमछा बड़ा सा पहना दिया चारों तरफ से, फिर जनेऊ पहना दिया, टीका लगा दिया, अच्छा चढ़ा दिया, और बेलपत्र राम नाम लिखा हुआ कम से कम सारे के ऊपर आ जाए, ऐसा 3 बेलपत्र होना चाहिए, नहीं तो अधिक से अधिक कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा करके और फूलों से सजा दिया, मदार का फूल है, धतूरा है, ये भी अर्पण कर दिया। उसके बाद धूप कर दिया, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, दिया दिखा दिया, उसके बाद भगवान के ऊपर ही कुछ मिष्ठान भोग रख दिया, सामने भी रख दिया, इसके बाद में आचमन करा दिया, फिर पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पण कर दिया, फल अर्पण कर दिया, उसके बाद दक्षिणा अर्पण कर दिया, उसके बाद में विशेष आरती ओम जय शिवा ओंकारा का करके आधा दक्षिणा करके प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाइए। बैठने के बाद कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय, नहीं संभव तो 11 माला का जाप कीजिए। उसके बाद में उनका चावल लेकर के प्रभु आप जहां से आए वहां जाइए, जब फिर बुलाऊंगी तब फिर आइएगा, ऐसा करके सब पे चावल छोड़ के प्रणाम करके उनको पवित्र स्थान पे कहीं नदी में, अथवा नदी नहीं है कुछ वैसा है तो नीचे कहीं गड्ढा खोद करके अपने बगीचे में, गार्डन में, जहां भी हो साफ सुथरा सही जगह में उनको विसर्जित करना चाहिए। बंधुओं, पूजा की कई विधियां हैं, ये आवश्यक नहीं कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे अथवा नर्मदेश्वर का करेंगे अथवा इनका करेंगे पार्थिवेश्वर, इनको पार्थिव बोलते हैं ताकि तुरंत इनका पूजा करके इनका विसर्जन हो जाता है, कि इनमें कम फल मिलेगा उनमें ज्यादा मिलेगा, जो फल मिलेगा आपके भक्ति से मिलेगा। जैसे कोई लड़का चाहे फिजिक्स हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे गणित में हो, जिसमें भी वो तेज होगा वहीं से टॉप कर सकता है, आगे जा सकता है। तो ऐसे भगवान की पूजा की कई विधियां हैं, जो आपको सरल लगे, सहज लगे, जो आप आराम से कर पाए। ऐसा नहीं जैसे कछुआ जो है धीरे धीरे चला और अपने मार्ग पे पहुंच गया, पर जो है दूसरा जो है दौड़ते हुए गया और वहां तक बीच में आराम किया और फिर वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसे में बहुत सारी विधियां तो हम करें कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बीच में छूट जाएं, तो उससे अच्छा ये है कि हम आराम से करें, बढ़िया से करें, पूरा मन लगा के करें, थोड़े में करें, नित्य करें, पूरे श्रावण भर करें, भगवान की कृपा को ध्यान में रखते हुए, तो वो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं, सब करना ऐसा अनिवार्य नहीं, अगर भगवान ने पैसा दिया है संभव है कर सकते हैं। तो एक दिन आपने श्रावण में रुद्राभिषेक कर ले करा दिया ब्राह्मणों को बुलाकर, एक दिन आपने पार्थिवेश्वर का पूजन करा दिया, अथवा एक ही दिन में रुद्राभिषेक कराया तो पार्थिवेश्वर का रुद्राभिषेक करा दिया, 1011 जो है बेलपत्र अर्पण करा दिया, अलग अलग स्तुतियां करा दी, जैसा भगवान ने आपको अवसर दिया। ऐसा नहीं कि आचार्य नहीं आएंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, पर वो कई गुना ज्यादा फलदायी होती है, हर एक का विशेष महत्व है। अगर आपको दिया है तो आप ऐसा कीजिए, सामान्यतः अगर आपको कम से कम एक तो करना ही चाहिए, नहीं तो आप स्वयं कीजिए, नित्य कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, निश्चित भगवान आपकी जो भी कामना है पूरी करेंगे, जो भी जीवन का दुख है उसे दूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, जय श्री राम। और चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इतना परिश्रम से हम लोग वीडियो अर्पित करते हैं तो अधिक से अधिक भाइयों को पता चलना चाहिए, तब पता तभी चलेगा जब वो घंटी बजेगी टुन। जय श्री राम।